हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनल यहां पर इन्फिनिक्स का 030 स्मार्टफोन बहुत जल्द आने वाला है। इन्फिनिक्स की तरफ से इसका ऑफिशियली टीजर भी आ चुका है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और इस टीजर में आपको कमिंग सून लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा पैटर्न देखने को मिल जाता है। एंड क्लियरली आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर में आपको लेदर डिजाइन जो है देखने को मिलने वाला है। एंड इतना ही दोस्तों, ये स्मार्टफोन कवर डिस्प्ले के साथ में आएगा, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाली है एंड किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अब तक की लीक के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसके अंदर में काफी ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस वाली चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाली है। ये स्मार्टफोन 0 to 50% ओनली 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा के कमेंट में बताना कि यहाँ पर इसके अंदर आपको कितने वाट तक की चार्जिंग जो वो देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो देखिए यहाँ पर आपको 6.9 इंच का फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो वो इसके अंदर में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको कोरोना ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। एंड इसका एक लीक इमेज भी आई थी, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, कुछ इस तरह का लुक आपको इसके अंदर में देखने को मिलने वाला है। एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर भी आप यहां पर डेफिनेटली मेंशन देख सकते हैं। डॉल्बी का साउंड भी यहां पर आपको इसके अंदर में मिलने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज एंड साउंड वाइज आप सोच सकते हैं कि काफी कमाल का स्मार्टफोन रहने वाला है। सेंटर कंसोल के साथ में यह आने वाला है, जहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको फ्रंट में काफी अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाता है। प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोनका ग्लास 5 दिया जाएगा एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन काफी सही रहेगा, काफी पंची कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बताया दिया था कि इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पर प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। अभी जो कैमरे की डिटेल है ना, वो लीक डिटेल है, आपसे कंफर्म करके मत चलेगा। ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिले, जिसके साथ में 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का यहाँ पर आपको मैक्रो कैमरा इसके अंदर में देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर 200 MP का कैमरा दिया गया तो काफी तगड़ा रहने वाला है। अदरवाइज नॉर्मली आपको 50 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। कैमरे के बारे में भी कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। बाकी अगर हम बात करें स्मार्टफोन में प्रोसेसर की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 वाला जो प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। और यही प्रोसेसर आईक्यू Z7 Pro में भी आने वाला है 31 अगस्त को, और इसका जो एंटीटू स्कोर है वो 7 लाख से ऊपर का निकल करके आ जाता है। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको इसके अंदर में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पर आपको LP की DDR4X RAM देखने को मिल जाएगी। UFS 2.2 स्टोरेज का यूज स्मार्टफोन के अंदर में किया जाने वाला है। इसका आपको सिर्फ एक ही ब्रांड देखने को मिलेगा, जो कि 8 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आने वाला है। एंड इसकी कीमत दोस्तों यहाँ पर आपको यही कोई 27,999 के 28,000 रुपये देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर में आपको काफी कुछ तगड़ी चीजें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके अंदर में इस बार आपको 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन्फिनिक्स काफी समय पहले 240 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा चुका है, हालांकि वो लॉन्च नहीं की गई थी। फाइनली अब वो इसके अंदर में आपको देखने को मिल सकती है। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसके अंदर में आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल स्पेक्स वाइज स्मार्टफोन काफी सही रहेगा। बाकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन का टीजर भी आया है ऑफिशियली, कोई लॉन्च डेट इन्फिनिक्स ने तो कंफर्म नहीं कराई, बट बताया जा रहा है लीकर्स की तरफ से न्यूज निकल करके आ रही है कि ये स्मार्टफोन 29 अगस्त को इंडिया मार्केट में लॉन्च हो सकता है। ऐसा आपके क्या राय है इन्फिनिक्स 030 स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट में बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना देखने को मिलती रहती है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।